चुकी हूँ। मेरा बैच ना आज पहले था, मेरे फ्रेंड लोगों का बाद में, वो लोग अब आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले आ गई हूँ, ये लोग आ ही रहे हैं। ये लोग आज लेट हो गए थे सबको ले लो आज। आज मैंने ना मैट भी लिया और मशीन भी ली, इन लोगों को मशीन मिली आज क्योंकि हमारा बैच अलग अलग हो गया था। हाँ मैं घर से लिख के लाई थी आज की मेरे को पहले मिलना है, दो भी ले दे। हाँ मैं टोकन ये मजाक उठा रहे हैं, आज कह रहे हैं आप टोकन घर से लेके आए होंगे तभी तुम्हारा नंबर पहले आ गया, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा उसको मिठा गए नहीं यार, ऐसा झोल कुछ नहीं किया मैंने, आ गया था आज, आज लग काम कर गया मेरा, उसने ना गलती से परसों वो लिख दिया होगा। तो गाइस दिन के बज गए हैं 2:30 और आज हम भी लेट हो गए हैं खाना खाने के लिए, तो 2:30 तो खा ही लेते थे हम, 2 बजे या 2:30 बजे हम खा लेते थे खाना, तो आज हम इसलिए लेट हो गए। हमारे घर पे आ रहे हैं मेहमान, तो बदरपुर वाली दीदी आ रही हैं, दीदी और उनकी लड़की, तो उनको लेने गए हैं अभी 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 सगुन के पापा, और आ चुके हैं रास्ते में हैं, और मैंने खाना बना के तो रेडी कर लिया है, और आज हमारे राज को भी थोड़ा बुखार आ गया है तो उसके लिए बना रही हूँ रोटियाँ, और उनके लिए बना रखे हैं मैंने दाल चावल, तो उनके लिए बना रखी है मैंने दाल, ये रही, मैंने कहा राज भी रोटी की सोचते वो भी दाल ही खा लेगा, और ये बना रखा है मैंने कप आज उत्तराखंड का फेमस डिश हुई फिर हमारे वहाँ का, ये हमारे गांव का ही पालक आ रखा था ना उसका कप बना रखा है मैंने, कल बनाने वाली थी मैं पहले, कल भी हमारे घर पे कोई मेहमान आ गए थे फिर मैंने कहा चलो कल बनाऊंगी, आज भी दीदी लोग आ गए, चलो दीदी लोग तो अपने पहाड़ी है मतलब है, उनको ऐसी चीज़ अच्छी लगती है फिर, और चावल बन रहे हैं, और आज के लिए मैं 2 रोटी बना देती हूँ, राज को खिलाई देती हूँ, बल्कि तब तक गर्म गर्म उसको दवाई खिला दूँगी फिर। तो गाइस दिन के बज गए हैं 5, कितने बज गए कुसुम, 5 है, 5:30 5:30 हो चुके हैं, और हमने खाना वाला खा के हम गप्पे उप्पे लड़ा रहे थे, तो अब बन गई है चाय रखी है मैंने, ये रही कुसुम, हाय हेलो तो कर यार, क्यों भाग रही है कैमरा से दूर ये किचन में आ रखी है मेरे साथ, और ये दीदी यहाँ बैठी हुई है, ये रही दीदी कैमरा को देख के सब मुंह पलटते हैं यार मेरे कैमरा को देख के, है ऐसा क्या है इस कैमरा में जो मुंह पलटते हो तुम, है कि देखो तुमको चलो कोई बात नहीं शर्म आ रही है। तो चाय बन चुकी है और ये कुसुम आ रखी है, तो आज हमारे घर पे इसको चाय पिला रहे हैं हम क्या पिएगी फिर, कॉफी पिएगी, कुछ भी पिला दो हम तो कुछ भी पिलेंगे। अच्छा कुछ भी फिलहाल चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद दूध वाली, हाँ अभी दूध वाली चाय है फिर बनाती हूँ, मेरे को ना ठंड लग रही है आज, मौसम भी चेंज हो गया है तो मैंने 2 स्वेटर डाल लिए, तुझे भी लग रही ठंड, मुझे लग रही है ठंड, मोटी स्वेटर है मैंने अंदर से भी डाल रखी है फिर ऊपर से यही डाल दे रही हूँ मैं कल से मोटी मोटी। तो मैंने बना दी है रात के लिए सब्जी बना रखी है मैंने हरी सब्जी, दीदी लेके आ रखी थी ना तो हम लोगों को तो बहुत पसंद है हरी सब्जी, बदरपुर साइड ना बहुत सस्ती मिलती है तो दीदी ने सोचा होगा इन लोगों को पसंद है तो लेके आ रखे हैं थोड़े सब्जी, तो मैंने ये थोड़ी ये बना रखी है, हम दोनों को बहुत पसंद है सगुन के पापा और मेरे को, तो मैंने थोड़ी सी बना रखी है उन लोगों के लिए, दूसरी सब्जी बन रही है। आज मंडे है तो आज ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं बनता है हमारे वहाँ, तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, और दीदी को मिलने ना दिल्ली वाली दीदी आ रखी है, वो लोग बैठ रखे हैं, उनको मैंने चाय वगैरह दे रखी है, तो फिलहाल मैं रात को खाने की तैयारी कर रही हूँ, रात को नहीं, तो मैं बना रही हूँ मटर की सब्जी, मटर पनीर बना रही हूँ, पनीर मैंने फ्राई कर लिए हैं, यहाँ मसाला बन रहा है, मसाला बना के ना उसको मटर को मैं पहले एक सीटी लगा दूंगी, एक दो सीटी,
एक ही लगाऊंगी, वो नाजुक नाजुक मत करो। तो पनीर की सब्जी भी बन चुकी है, पनीर ऐड कर दिया मैंने इसमें और धनिया भी ऐड कर दिया है। इसको फिर से ढक के रख देती हूँ। यहाँ तवा गरम हो चुका है और रोटियां बनाती हूँ फटाफट। दीदी तो चले गए हैं घर पे और ये लोग बैठे हैं यहाँ टीवी देख रहे हैं। और आज ना राज की ना थोड़ी तबीयत ढीली सी चल रही है, इसको बुखार आ गया, ये सो रखा है।